खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर हजरतगंज में हुए हादसे से घायल कांग्रेस प्रवक्ता जीशान हैदर की मां का इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया है। आपको बता दें कि हजरतगंज के अलाया अपार्टमेंट के मलबे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास आमिर हैदर मां और जो उनकी पत्नी मलबे में दब गए थे, वहीं जिन्हें एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से बाहर निकाला, वहीं सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही एक और युवक को मलबे से निकाला गया। लखनऊ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। पर हमारे यहाँ 10 लोग आए हुए हैं और उसमें से एक महिला जो बुजुर्ग अभी हैं, सुबह मॉर्निंग में आई हमारे पास में, हादसे में हम उनको नहीं बचा पाए और बाकी सभी लोग हमारे पास सुरक्षित हैं। और इसमें से एक पेशेंट मतलब घर भी जा चुका है, बाकी सभी जो 8 लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब ठीक हैं, खतरे से बाहर है। क्या उम्र रही होगी और किस टाइम पर लाया गया था उन्हें? वो 60+ हैं और मॉर्निंग में मेरे ख्याल से वो 9:30 और 10 के बीच में हमें सूचना मिली थी और इसी टाइम के आसपास यहाँ पहुंचे, 10:15 के आसपास।